हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। इन थानेदार साहब के बोल सुने, आपको लगेगा यह शिवराज की भांजियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, उन्हें जेल भेजने की बात कर रहे हैं। जरा वीडियो देखें जो वायरल है। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जितना बोल रहा हूँ उतना होना चाहिए यहाँ पर। ये तो एक के चक्कर में सबको जेल भेज दूंगा मैं। भाई अपना ट्रैक्टर पानी वाली ट्रैक्टर को पूरे घर को मिल जाए मना भाई। सुनिए, आप शांत रहिए, आप दोनों तरफ की सुनिए, आप एक तरफ की सुनिए। मेरे को मतलब नहीं है, सीधी बात, यदि उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ा है तो तुमने क्यों छोड़ा दिया? इनके लड़के कहाँ है? वो तीन का है, लड़के गए हैं चार, हम तीन लड़के नहीं मिले ना, तो सबको जेल भेजूंगा मैं, ध्यान रखना। यह थानेदार साहब रेत कंपनी के इशारे पर काम करने वाले लगते हैं, यकीन नहीं होता, लेकिन यह सो आने सच हमें सुनाई और दिखाई पड़ रहा है। मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा से जुड़ा है, जहां रेत को लेकर विवाद हुआ था। रेत का काम करने वाली धन लक्ष्मी कंपनी की शिकायत थी कि एक गांव के तीन चार युवक अवैध रेत का काम करते हैं। श्रृंगेश राजपूत जो तेंदुखेड़ा थाना प्रभारी है, उन्हें भला यह कैसे बर्दाश्त होता कि कोई पुलिस को पैसे चढ़ाने वाली कंपनी जो रेत का काम कर रही है, उसके मर्जी के बिना कोई रेत का परिवहन कैसे कर सकता है। बस श्रृंगेश राजपूत ने वर्दी का श्रृंगार किया और तीन लड़कों को पकड़ने गांव पहुंच गए। महिलाओं ने विरोध किया तो देखें लड़कियों से थानेदार साहब किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हम सबको जेल कर देंगे। जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जितना बोल रहा हूँ उतना होना चाहिए यहाँ पर। नहीं तो एक के चक्कर में सबको जेल भेज दूंगा मैं। भाई अपना ट्रैक्टर पानी वाली ट्रैक्टर को पूरे घर को मिल जाए मना। सुनिए, आप शांत रहिए, आप दोनों तरफ की सुनिए, आप एक तरफ की सुनिए। मेरे को मतलब नहीं है, सीधी बात, यदि उन्होंने ट्रैक्टर पकड़ा है तो तुमने क्यों छोड़ा दिया? इनके लड़के कहाँ है? वो तीन का है, लड़के गए हैं चार, हम तीन लड़के नहीं मिले ना, तो सबको जेल भेजूंगा मैं, ध्यान रखना। अरे थानेदार साहब, रेत को लेकर सरकार 15-16 सालों से बदनाम है, आप ज्यादा टेंशन क्यों लेते हैं? कोरोना काल चल रहा है, सिर दर्द मत पालो, जो मिल रहा है उसी में शांति रखो। कौन लोग थे? मैं नहीं चल रहा, मैं तो घर के अंदर थी, सीआई साहब थे, लेकिन इन्होंने मेरे सामने ऐसा मोबाइल छोड़ा और मैं खड़ी थी। किसका मोबाइल छोड़ा? मेरे मम्मी ने। महिलाओं की खातिर बदतमीजी की है क्या? हाँ की है, उनको भी धक्का मारा और मैं खड़ी थी तो मुझे भी धक्का मारा जी। मैं घर जी, मुझे पता चला कि वहाँ पर पुलिस आई थी, मैं वहाँ पर आई, मैं ठुकराने लगी, मैं पापा जी को फोन लगा रही थी, उससे मैं टी आई आए, मेरे हाथ में फोन छोड़ा और फेंक दिया। बदतमीज भी की आपके साथ? यहाँ से एक टीआई सर आए, उस टीआई सर ने घर के सामने सारे दुकान रोकी, गुंडा का ठीक तरफ घर के अंदर आ गया, बदतमीजी करने लगे, उसको बोला और बोलने लगे कि तू मुझे कैसा करता है, तू कैसा करता है, गुंडा का ठीक है तो तुम लोग। मैंने बोला सर आप क्या रेत चोरी करते हो? नहीं नहीं, आपके पास ट्रैक्टर है? ट्राली में बिल्कुल भी रेत नहीं है, घर से पैसा ढीला हुआ तो मैं पत्थर निकलने जाने वाला था थोड़ी देर में, और आके बदतमीजी करने। किस गाँव की घटना है? किस गाँव की? ये सहेली अमलिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है। मैंने बोला सर आप हमारी सुन लीजिए, तो बोल रहे थे सर टीआई सर कि मैं टीआई हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और उन्होंने एक रजिस्टर भी मंगाया था कॉन्स्टेबल से कि एक रजिस्टर लाओ, इन चार लड़कियों का नाम लिखो। थानेदार साहब रेत की बड़ी कंपनी धनलक्ष्मी के कहने पर हंगामा मचाने पहुंच गए और शिवराज सिंह चौहान मामा की भांजियों को बुरा बुरा कह दिया। यह वीडियो वायरल है।
तो ये तीन मुख्य आरोपी हैं, जबकि गोलू चौधरी, रोशन लाल चौधरी और छोटे लाल चौधरी ने वो कंपनी के लोगों के साथ मारपीट करी और दो लोग वहां पे बेहोश हो गए। इसी दौरान थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा वहां पहुंचे और उन दो लोगों को गाड़ी में बिठाया। उन लोगों के द्वारा जब बताया गया कि गोलू चौधरी, रोशन लाल चौधरी और छोटे लाल चौधरी के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है, तो इनको जो है मौके से गिरफ्तार करने के लिए जब थाना प्रभारी वहां पर पहुंचे तो उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो उनके बचाव में आ गई और थाना प्रभारी को जो गाड़ी थी जिससे कि रेत का उत्खनन कर रहे थे, ट्रैक्टर ट्रॉली को नहीं ले जाने दे रहे थे, उसी के दौरान संभावित यह वीडियो है। इसकी प्रकरण की हम लोग जांच तेंदुखेड़ा के माध्यम से करवा रहे हैं कि क्या परिस्थितियां बनी। हालांकि हकीकत कुछ भी हो लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल श्रृंगेश राजपूत होंगे ईमानदार, लेकिन इन तस्वीरों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रेत की बड़ी कंपनी धनलक्ष्मी के इशारे पर श्रृंगेश राजपूत जो थाना प्रभारी है वो कुछ भी कर सकते हैं। हरिकांत विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, नरसिंहपुर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए, और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।